नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम एवं स्वागत करता हूँ। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग के टॉपिक को किया था, आज हम लोग जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में देखेंगे और उसके अलावा SC ST कमीशन के बारे में देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जाति आयोग इसका क्या रोल है, किस तरीके से ये फंक्शन करता है, कौन अपॉइंट करता है, टर्म क्या है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, तो अगर अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में आएंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रों के बारे में क्या करेंगे देखेंगे। फिर उसके बारे बाद हम लोग देखेंगे आयोग के बारे में, आयोग या कमीशन के बारे में देखेंगे, आयोग या कमीशन के बारे में, और इस आयोग या कमीशन में एक हम लोग देखेंगे अनुसूचित जाति आयोग, शेड्यूल कास्ट कमीशन, और दूसरा देखेंगे अनुसूचित जनजाति आयोग। जनजाति आयोग के बारे में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, इतना टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित, फिर हम लोग आयोग या कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर महत्वपूर्ण तथ्य में आएंगे तो महत्वपूर्ण तथ्य में अगर आप आएंगे तो इसके अंतर्गत दो अनुसूचियां हैं, एक है पांचवी अनुसूची या फिफ्थ शेड्यूल। तो पांचवी अनुसूची में अगर आप आएंगे तो पांचवी अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो वहाँ पे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और या अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण एडमिनिस्ट्रेशन एवं कंट्रोल से संबंधित बातें पांचवी अनुसूची में क्या करी गई है, बताई गई है, फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया है। और उसमें भी अगर आप आएंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के क्षेत्र को छोड़कर। तो ये कहने का मतलब क्या है, यह जो है पांचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य के क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में यह अनुसूची क्या होगी, लागू होगी, इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या होंगे, फॉलो होंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे छठी अनुसूची में क्या बताया गया है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय,
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो छठी अनुसूची में केवल केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्र का बात किया गया है, जबकि उसके अलावा पांचवी अनुसूची में जो है सभी प्रकार के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में उनके प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित बातें की गई हैं। तो पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो हम लोग देखते हैं पांचवी अनुसूची की विशेषताएं। पांचवी अनुसूची की विशेषता, तो विशेषता के बारे में हम लोग देखेंगे पांचवी अनुसूची के। तो पांचवी अनुसूची के विशेषता में पहला पॉइंट अगर आप आएंगे तो अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। तो सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। पहला पॉइंट पांचवी अनुसूची की विशेषता के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, तो इस प्रकार राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने का क्या है, अधिकार है। डिक्लेयर करने का राइट किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। दूसरे पॉइंट में अगर आप आएंगे तो राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने या नाम में परिवर्तन। इस प्रकार राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने का या घटाने का या उसके नाम में परिवर्तन करने का क्या होता है, अधिकार होता है। तो किसके पास है ये, राष्ट्रपति। जिस राज्य में उसको जो है उस अनुसूचित क्षेत्र का या शेड्यूल्ड एरिया का जो है एरिया क्या करना है, बढ़ाना है, घटाना है या उसके नाम में चेंज करना है, तो उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति जो है ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर आप आएंगे तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर
की सलाह पर ऐसे क्षेत्रों के नाम को रद्द करने के लिए आदेश दे सकता है। इस प्रकार अगर आप जो है अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित पॉइंट पे आएंगे तो पहला पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर करने का क्या है, अधिकार है। वह किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया या अनुसूचित क्षेत्र क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर उस अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने का, घटाने का या उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। सिर्फ वह जो है उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर या एडवाइस पर ऐसा कर सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर ऐसे क्षेत्रों के नाम को रद्द करने के लिए आदेश दे सकता है। तो कुल मिला के अगर आप आएंगे तो ये बातें हम लोगों ने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में देखा, और अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति जो है सभी प्रकार के डिसीजन क्या करता है, लेता है। नोट कर लीजिएगा। दूसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं, दूसरा पॉइंट, केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे, राज्य अपनी सीमा के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को नियंत्रित करता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के लिए गाइडलाइन जारी करता है और उसी गाइडलाइन के अनुसार जो है कार्य करना होता है या प्रशासन करना होता है, जारी करता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जो वहाँ का कल्चर और शेष जो रेस्ट इंडिया के कल्चर से या रेस्ट कम्युनिटी के कल्चर से मैच नहीं करता। वो पिछड़े हुए लोग होते हैं, पिछड़े हुए क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, वह जो है समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग नहीं होते, मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़े हुए लोग होते हैं। तो इसलिए उनको इस स्ट्रीम से जोड़ने के लिए, मेन स्ट्रीम से या समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। तीसरा, जनजाति सलाहकार परिषद, जनजाति सलाहकारी परिषद। अगर जनजाति सलाहकारी परिषद पे आएंगे, जनजाति सलाहकार परिषद पे आएंगे तो
वैसे क्षेत्रों के लिए एक जनजाति सलाहकारी परिषद या ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जो है बनाया जाता है। इनका कार्य यह होता है कि यह ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए एक जो है प्रोफार्मा तैयार करें या एक जो है एक स्ट्रक्चर तैयार करें जिसके अकॉर्डिंग ऐसे क्षेत्रों का विकास किया जा सके। अगर आप आएंगे तो ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पर जनजाति सलाहकारी परिषद का गठन किया जाएगा तो ऐसे क्षेत्रों में सलाहकारी परिषद का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य जनजातीय क्षेत्रों के उत्थान के लिए होता है। तो यह क्या करता है, एक जो है स्ट्रेटजी बनाता है, रणनीति बनाता है कि किस तरीके से जनजाति क्षेत्रों का उत्थान किया जाए, उसके लिए एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर करता है, रणनीति तैयार करता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो जनजाति सलाहकारी परिषद में 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 20 मेंबर जो है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में होते हैं। इस 20 मेंबर में 3/4 या 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा के प्रतिनिधि होते हैं तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जनजाति सलाहकारी परिषद जो होता है ये ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र आते हैं, उन अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए सलाहकारी परिषद या जनजाति सलाहकारी परिषद के गठन की बात की गई है। और इसका गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका गठन अगर आप आएंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा गठन की बात की गई है। राष्ट्रपति क्या करता है, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कितने मेंबर होते हैं? 20 मेंबर, जिसमें 3/4 मेंबर या 3/4 सदस्य जो है राज्य विधानसभा के प्रतिनिधि होते हैं। नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। छठी अनुसूची की विशेषता अगर आप छठी अनुसूची की विशेषता पे अगर आप आएंगे तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम ये चार राज्यों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। तो अगर इन चारों क्षेत्रों में आएंगे तो इन चारों क्षेत्रों का जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो लोग होते हैं, इनका संस्कृति
भाषा, रहन सहन, वह शेष भारत से अलग होता है, शेष भारत से अलग होता है, अलग होता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए, ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार संसद के माध्यम से कानून बनाती है और ऐसे क्षेत्रों को प्रोटेक्ट करती है कि जिससे इनका शोषण या एबोलिशन न हो सके। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो छठी अनुसूची के अंतर्गत ये चार राज्यों के लिए स्पेशल जो है क्या किया गया है, प्रोविजन किया गया है, वो इसलिए क्योंकि इसके अलावा जो राज्य हैं वहाँ के कल्चर, लैंग्वेज, लिविंग स्टैंडर्ड में जो है क्या है, डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए इसके लिए अलग से व्यवस्था किया गया। अब हम लोग आयोग के बारे में देखेंगे, कमीशन के बारे में। आयोग या कमीशन, तो अगर आयोग या कमीशन के बारे में अगर आप आएंगे तो सबसे पहला जो हम लोग का कमीशन होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग या नेशनल कमीशन फॉर, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित जो राष्ट्रीय आयोग है, नेशनल कमीशन है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो सबसे पहला पॉइंट कि जो ये एससी कमीशन है, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन या अनुसूचित जाति आयोग, तो अनुसूचित जाति आयोग जो है एक प्रकार का जो है संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। इसके बारे में प्रॉपर रूप से जो है संविधान में क्या किया गया है, बताया गया है, और उसके लिए एक अलग से अनुच्छेद बनाया गया है, अनुच्छेद 338। तो अगर आप आएंगे अनुसूचित जाति जाति आयोग या एससी कमीशन, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट, शेड्यूल्ड कमीशन, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन या अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया है, 338 के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 338 के अंतर्गत जो है शेड्यूल्ड कॉस्ट कमीशन या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कॉस्ट, जो नेशनल कमीशन शेड्यूल कॉस्ट के लिए बनाया गया है, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 आर्टिकल 338 के अंतर्गत जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कॉस्ट बनाया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो आयोग का विकास क्रम किस तरीके से ये आयोग धीरे धीरे जो है क्या हुआ, विकसित हुआ, या इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी। तो हम लोग क्या करेंगे, विकास क्रम देखेंगे। क्या देखेंगे? आयोग का उदय या आयोग का विकास क्रम, आयोग का उदय या विकास क्रम, उदय या विकास क्रम। तो सबसे पहले अगर पहला पॉइंट आएंगे तो 1978 में सरकार ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की। तो 1978 में सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय निकाय की स्थापना की। तो इस प्रकार सबसे पहले 1978 में एससी और एसटी के लिए जो है एक गैर संवैधानिक या जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मल्टी मेंबर या बहुसदस्यीय बॉडी का क्या किया, इन्होंने स्थापना किया। उसके बाद 1987 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। तो 1987 में इसका नाम बदलकर 1987 में इसका नाम बदलकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। जहां 1978 में क्या किया गया था, SC ST के लिए एक गैर संवैधानिक निकाय जो है क्या किया गया था, बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था। तो 1987 में जो है क्या किया गया, इसका नाम बदलकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा SC एवं ST के लिए बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की गई। 65वां संविधान संशोधन के द्वारा SC एवं ST के लिए एक बहुसदस्यीय निकाय की स्थापना की गई। बहुसदस्यीय निकाय की स्थापना की गई। तो क्या किया गया, 1990 में 65वां संविधान संशोधन के द्वारा SC एवं ST के लिए एक बहुसदस्यीय निकाय की स्थापना की गई। 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा इसको दो भागों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और 2004 से पृथक जो है अनुसूचित जाति आयोग क्या किया गया, बनाया गया।
नेक्स्ट पॉइंट, 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा, 89वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट एवं अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आयोग को अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो एक आयोग कौन सा बना, एक आयोग बना एससी कमीशन, या आप इसको बोल सकते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। और इसके बारे में अनुच्छेद 338 और दूसरा बना ST कमीशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और इसके लिए आर्टिकल था अनुच्छेद 338 का। तो इस प्रकार अगर आप देखा जाए तो 2000 में जो है नेशनल या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आया। तो इस प्रकार 2003 में दोनों को अलग कर दिया गया और 2004 में जो है एक पृथक करके अलग से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या किया गया, बनाया गया। और 2004 में ही ST कमीशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में या इसकी संरचना के बारे में। देखेंगे संरचना, स्ट्रक्चर, राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए जो कमीशन की संरचना है, स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अगर आप आएंगे तो इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष प्लस तीन अन्य सदस्य। तो इस तरीके से एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष प्लस तीन अन्य सदस्यों से मिलकर जो है अनुसूचित जाति आयोग क्या होता है, बनता है। इन सभी की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो अगर इनकी नियुक्ति पे आप आएंगे तो इनका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इनके सेवा शर्तें एवं कार्यकाल, सेवा शर्तों एवं कार्यकाल की जिम्मेदारी राष्ट्रपति का होता है। उसके अलावा आप इसके कार्य पर आएंगे तो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य यह है कि यह जो है प्रत्येक वर्ष
यह प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा तैयार किए गए रिपोर्टों को, वार्षिक रिपोर्टों को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। आयोग तैयार किए गए वार्षिक रिपोर्टों को राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। अगर वो मामले किसी राज्य से संबंधित है तो वह क्या करेगा? राष्ट्रपति राज्यपाल को देगा और राज्यपाल के माध्यम से उसे राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा। या जो है, अगर केंद्र से संबंधित मामला है तो वह राष्ट्रपति के माध्यम से पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखा जाएगा। यह जो है अनुसूचित जाति के बारे में हम लोगों ने क्या किया, बात किया, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। इसके बारे में आर्टिकल 338 में बताया गया है। संरचना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। सेवा, शर्तें एवं कार्यकाल की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। इनका कार्य होता है कि आयोग जो रिपोर्ट तैयार करता है उस वार्षिक रिपोर्टों को राष्ट्रपति को सौंपता है। अगर वह रिपोर्ट जो है राज्यों से संबंधित है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल क्या करता है, राज्य विधानमंडल में उसको रखवाता है और उस पर डिस्कशन होता है। अगर वह रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार से संबंधित है तो राष्ट्रपति उसको पार्लियामेंट में रखवाता है और उस पर डिस्कशन डिबेट होता है। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। नेशनल कमीशन फॉर एसटी या अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग जैसे कि अभी हम लोगों ने एससी कमीशन के बारे में देखा, तो एससी कमीशन में हम लोगों ने देखा था कि 2003 से पहले 2003 से पहले एससी एंड एसटी कमीशन एक ही था। कहने का मतलब दोनों एक ही साथ बने थे, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। 2003 के बाद 2003 में ही क्या कर दिया गया, 2003 में ही एससी और एसटी कमीशन दोनों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और 2004 से एक नई कमीशन आई, एसटी कमीशन या कह सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर एसटी या शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो एसटी कमीशन आया 2004 से, 2004 में एससी कमीशन अलग हो गया और एसटी कमीशन क्या हो गया, अलग हो गया। इसके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो इसके लिए जो अनुच्छेद है 338A 338 क में जो है एसटी कमीशन के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। संरचना में अगर आप आएंगे, इसका स्ट्रक्चर या संरचना, तो संरचना में एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष प्लस 3 अन्य सदस्य, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। इनके सेवा, शर्तों एवं कार्यकाल की जिम्मेदारी
राष्ट्रपति की होती है, राष्ट्रपति का होता है। उसके अलावा इसके कार्य पर अगर आप आएंगे तो यह कार्य, इसका कार्य है यह वार्षिक रिपोर्टों को, यह वार्षिक रिपोर्टों को राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। अगर वह मामला राज्य से संबंधित है तो राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल और राज्यपाल के माध्यम से राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा, और अगर वह मामला जो है केंद्र सरकार से संबंधित है तो राष्ट्रपति के माध्यम से जो है पार्लियामेंट में रखा जाएगा और वैसे मामलों पर डिस्कशन और डिबेट किया जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने एससी और एसटी एरियाज के बारे में देखा और एससी एसटी कमीशन के बारे में देखा। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इससे संबंधित अगर आपके मन में किसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, उससे संबंधित जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको दूर किया जाएगा। तो थैंक यू एंड जय हिंद।